सबको ने पहली बार वहां पर देखा था। प्लीज मैं यहाँ पे आए सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाले और यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह उस टाइम से अब तक हमारे साथ आप लोग साथ दिए खड़े रहे, आज उसी साथ और एकता की जरूरत है। आप लोग एक साथ होइए, एक साथ खड़े होइए। हमने जो खो दिया हमें वापस नहीं मिलेगा, मगर जो हैं उन्हें बचाइए, उन्हें इंसाफ दिलाइए और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनिए। मैं यहाँ पे कुछ बच्चों उसी समय से बैठे हुए हैं, उनको भी बहुत बातें सुननी पड़ती है। एक बार मुझे सुनने में आया, कोई कहता है कि वो तुम्हारी क्या लगती है। आज इसी की वजह से हर जगह बच्चियाँ तड़प के मर जाती हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, कोई हाथ नहीं लगाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनिए, क्योंकि हम हर घर में माँ बाप, हर आदमी जो भी यहाँ कोई है, कहीं ना कहीं बहन से बेटी है, हर रिश्ते से जुड़ा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि आप एक दूसरे के साथ जुड़िए, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनिए और आने वाले समय में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की। जहाँ तक जुगनाई की बात है, अभी एक बच्चा था क्रोध में आ गया, हमें भी क्रोध आता है। हमने जन्म से लेके पोसते पोसते हमें 24 साल लग गया। मैं इंतजार कर रही थी, बेटी कोर्स कर रही थी कि कोर्स खत्म हो जाएगा, आज हमारे घर में एक डॉक्टर होता। हमें भी गुस्सा आता है, मैं भी एक माँ हूँ, आज भी हमारे पास दो बेटे हैं। मैं भी नहीं चाहती कि नहीं किसी जुगनाई को पकड़ो और फांसी की सजा दे। हमारा ये कहना है हमारे सरकार से, हमारे सिस्टम से, अगर 15 साल का बच्चा 10 पास कर सकता है तो 16 साल या 17 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता। तो हमारा ये कहना है कि उम्र बदलो ना बदलो सरकार की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 16-17 साल का बच्चा ऐसा जगह में अपराध करता है तो उसके अपराध से के हिसाब से उसको सजा मिले। और हम यही कहेंगे कि आप लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनी और अपने आने वाले समय में बच्चियों की, महिलाओं की रक्षा कीजिए।